मुझे मालूम है इस ब्रांच में दूसरे ब्रांच की तरह नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये फॉरेक्स में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यू सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रॉब्लम फॉरेक्स मार्जिन को लेकर है। क्या एमएनसी बैंक्स बहुत ही कम मार्जिन में डील करते हैं? हाँ तो? तो सर आप रहने दीजिए, वैसे भी आप मेरी कहाँ सुनते हैं? नेहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कपिल। यस सर। आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? सर इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एमएनसी बैंक जो है वो 5 पैसे पे काम करती है और अब हमें भी 5 पैसे पे काम करना पड़ेगा। सर बट अ गुड न्यूज इज दैट हमारा एक भी कस्टमर लूज नहीं होगा। और सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपीस का लगातार गिरना, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 56% ट्रेड डेफिसिट हुआ है और इसका असर ना सिर्फ अपने फॉरेक्स पे बल्कि पूरी कंट्री में दिख रही है। तो फिर क्या कर सकते हैं? सर सबकी नजर आरबीआई पर है और अगर इस वीक 50 पैसा CRR भी कम होता है तो 84,000 करोड़ बैंकिंग सेक्टर में इनफ्लो होगा एंड आई थिंक इतना हो तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। या यू आर राइट गौरव, यू आर लकी टू हैव दीस पीपल इन योर टीम। थैंक यू सर। दे आर वेल गिफ्टेड। कीप इट अप। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सर सर सर।